श्री बंसीधर नगर के चेचरिया वार्ड नंबर 9 में आए हुए हैं। यहाँ पर फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर साहब आए हुए हैं। यहाँ पर दुकान का चेकिंग किया जा रहा है, खाद्य आपूर्ति के होटल में चेक किया गया है, और यहाँ पर ओपीजी मार्ट में आए हुए हैं। आइए यहाँ बात करते हैं फूड इंस्पेक्टर राजेश साहब से। सर, यहाँ पर आज की चेकिंग जो हुआ उसमें कहाँ कहाँ पर चेक हुआ गया, उसमें पाया गया? आज खाद्य सुरक्षा विभाग गढ़वा के द्वारा मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी मंगाया गया था, जिससे पूरे गढ़वा जिला में अभियान चलाया जाएगा, जिसमें खाद्य सामग्रियों की ऑन द स्पॉट टेस्टिंग की जाएगी। ये एक जागरूकता अभियान है, और इसमें जितने भी खाद्य प्रतिष्ठान हैं उन लोगों में वहाँ पर विजिट करके ऑन द स्पॉट टेस्टिंग किया जा रहा है, और उन्हें अभी वार्निंग दिया जा रहा है ताकि वो किसी भी तरह का मिलावट खाद्य सामग्री में ना करें। इसी दौरान श्री बंसीधर नगर अनुमंडल में कई खाद्य प्रतिष्ठानों में रसगुल्ला का सैंपल फेल हुआ है, जिसमें स्टार्च या फिर मैदा का आटा मिलाया जाता है, और उन्हें अभी वार्निंग देकर छोड़ा गया है। उसके बाद वहाँ पर सैंपल उठाया जाएगा और जांच के लिए आज ही भेजा जाएगा। अब तक कुल 15 दुकानों में जांच की जा चुकी है, अभी जांच जारी है। कहीं पर मिला सर? अभी तो कई प्रतिष्ठानों में रसगुल्ला का सैंपल फेल हुआ है। अभी यहाँ पर रंग, अभी दुकान में खाने वाले रंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। रंगों की भी जांच की जा रही है, कई चंपई रंग तो नहीं मिला रहे फूड आइटम्स में, इसकी भी जांच की जा रही है। हाँ, उन्हें वार्निंग दी गई है, कुछ दुकानों को वार्निंग दी गई है कि एक्सपायर सामान वगैरह ना रखें, और अभी आगे अगर ये इस वार्निंग का फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आगे जाके कार्रवाई की जाएगी, जुर्माना भी किया जाएगा। रसगुल्ला का सैंपल ज़्यादातर फेल हुआ है सब मैक्सिमम दुकानों में। अभी ये अभियान और 2 दिन चलेगा। वैसे तो खाद्य सुरक्षा विभाग बहुत एक्टिव है यहाँ पर, और हम लोग आगे भी कार्रवाई जारी रखेंगे। इसके बाद लीगल सैंपल सब दुकानों से उठाया जाएगा और उन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा। अगर लगातार दिनों से आपके द्वारा सर्वेक्षण किया गया, सर कितना सुधार हुआ है? काफ़ी सुधार हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले भी वार्निंग दिया था कि चंपई रंग खाने के खाद्य सामग्री में ना इस्तेमाल किया जाए। जब जलेबी में, मिठाई में ये लोग चंपई रंग का इस्तेमाल करते हैं, तो अभी आज जान देख कर खुशी हुई कि यहाँ पर चंपई रंग का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा खाद्य मिठाइयों में। कैमरामैन सीओम कुमार के साथ अभय प्रकाश ओसा, स्वदेश वाणी, श्री बंसीधर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।